करो सूरी साहब, कुछ करो। अब तक तो पचौरी की वजह से आपको और मारे को कटघरे में नहीं आना पड़ा, पर अब ये केडी हमें अदालत में जरूर घसीटेगा। और एक बात सुन लो, अगर मेरी पोल खुली ना तो मैं आपका नाम भी ले दूंगा। दोनों भाई फंसेंगे। केडी का कोई इलाज करना होगा। सांप के बिल में हाथ डाला है उसने। ऐसा जहर चढ़ाऊंगा कि पूरी जिंदगी उतार नहीं पाएगा। अरे क्या हुआ भजन लाल, खाना क्यों नहीं खाता? ये ससुरा केडी पाठक भी ना, एक हरीश चंद्र कम था दुनिया में, जो दूसरा आ गया। कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा खासा केस खत्म हो गया, पर इस केडी पाठक की वजह से ये लोग फिर मुझे घसीटेंगे। क्यों पड़ा मैं इन सब में, क्यों? हेलो बोइडे सर। सर मैं नटराजन, एक महीने का अर्जेंट लीव चाहिए सर। वो चेन्नई में मदर सीरियस, मेरे को अर्जेंट जाने का। आगे जाके लड़ना हैगा केडी साहब, लड़िए। किधर भी जाके लड़िए, सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़िए। हमारा काम तो खत्म हो गया हैगा। हम तो चले अपने गांव अमरौली। गुड बाय। अरे पाठक साहब, हमको यहाँ क्यों बुलाया हैगा? हाँ? वो सारा का सारा केस तो खत्म हो गया हैगा, हमारा काम तो खत्म हो गया हैगा। हम तो अपने गांव अमरोली जा रहे हैंगे। हाँ, अगर आपने ये केस पहले ठीक तरह से लड़ा होता तो शायद आप आज अमरोली जा रहे होते, यहाँ न खड़े होते। पिछली बार हमसे क्या गलती हो गई? पूरा का पूरा केस तो एक तरफा था, और आप जैसे राम हो तो रावण का कोई बचाव कर सकता हैगा क्या? बताइए। इस हिसाब से तो फिर आपका भी यहाँ आज बचाव होना कठिन है पचौरी साहब। समझा नहीं? समझाता हूँ ना। ये देखिए, रजिस्ट्री आपके नाम की अमरौली में जो जमीन का टुकड़ा आपने खरीदा, 2 दिन पहले ही रजिस्ट्री हुई है इसकी। हाँ, तो खेती बाड़ी के लिए रिटायरमेंट प्लान अच्छा है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है। तो कितने रुपए दिए आपने इसके? 12.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? श्यामलाल बिश्त जी, जिनसे आपने ये जमीन खरीदी, उनका लिखित बयान जज साहब की मेज पर रखा हुआ है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपने 12.5 लाख नकद कैश देकर ये जमीन उनसे खरीदी। पचौरी साहब, एक सरकारी वकील का वेतन कितना होता है ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी और जज साहब भी। इसमें तो ये मुमकिन नहीं था, कहाँ से लाए ये पैसे आप? जी वो कर्जा लिया था। किससे? दोस्त है। क्या नाम है दोस्त का? वो पंकज पंचामिया। फोन लगाइए, उन्हें नंबर तो होगा आपके पास। अरे फोन लगाइए ना, इतना दिलदार दोस्त आपका 12.5 लाख रुपए आपको यूं ही दे दिए और फोन नंबर नहीं दिया। हाँ लगाइए, निकालिए। कहाँ है फोन? निकालिए। अरे निकालिए, अरे निकालिए, लगाइए लगाइए। पंकज पंचमिया, मैं नंबर ढूंढ दूँ आपके? नहीं। हाँ ये लीजिए, डायल किया, डायल किया। बात करिए, बात करिए, बात करिए। धन्यवाद करिए पैसों के लिए। क्या हुआ? पैसे वापस मांग लिए क्या? जी वो पैसे मैंने अपने दोस्त से नहीं लिया, किसी और से लिया था। अच्छा, किसी और से लिया? किससे लिया आपने? किससे लिया पचौरी साहब? किससे लिया पैसे आपने? बिल्डर सूरी साहब से। सूरी साहब से? लेकिन क्यों एक बिल्डर ने एक सरकारी वकील को 12.5 लाख रुपए दिए? किस बात के? समझा नहीं। पचौरी साहब ने जो आप पर आरोप लगाया है उस पर आए उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो आपके विरुद्ध तहकीकात कर रही थी। अब तो उसमें बहुत बड़ी बाधा आ गई। अच्छा हो गया आपके लिए। मतलब कैसी बाधा? बाधा वही आग कुर्ला रजिस्ट्रार ऑफिस में लगी। सुना है कि वहां आपके विरुद्ध जो आपकी प्रॉपर्टी के कागजात थे तो सारे जलकर राख हो गए। न रही बांस, न बजेगी बांसुरी। आपका तो स्थिति अच्छी हो गई। पर वो आग तो इस आदमी ने लगाई है। इस केस में मेरा कोई लेना देना नहीं है। चलिए ये बताइए कि आपने पचौरी साहब को 12.5 लाख रुपए क्यों दिए? कौन कहता है? अरे मैं उसको जानता तक नहीं, एक ढेला नहीं दिया मैंने उसको। कम ऑन मिस्टर सूरी, आपने पचौरी साहब को 12.5 लाख रुपए दिए केस हारने के, ताकि आपके लगाए हुए आग के आरोप में सुधीर जोशी फंसे। किया कि नहीं आपने ऐसा? कुछ भी बोले जा रहे हैं केडी साहब। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो आग लगवाकर मैंने लोगों को मरवा दिया? जी केडी साहब, मैं कानून बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और पढ़ा है। बिना सबूत के एक इल्जाम नहीं लगा सकते आप मेरे पर। मिस्टर पाठक, आप तो बड़ी तेजी से रंग बदल रहे हैं। भूल गए कि आप ही ने मिस्टर जोशी के खिलाफ सबूतों और गवाहों की लंबी लिस्ट खड़ी की है, जिसकी वजह से फांसी के फंदे से बचेंगे नहीं है। फंदा तो मुझे इस केस पर लगता नजर आ रहा है दुबारा सर। प्लीज टेक अ सीट, अलाउ मी टू एक्सप्लेन। जी सर, मैंने मिस्टर जोशी के हाथ से वो लाइटर गिरते हुए देखा था। नहीं, लाइटर तो गिरते हुए देखा था, पर क्या आपने मिस्टर जोशी को उस लाइटर से वो केरोसिन बॉम्ब जलाते हुए देखा? देखा? नहीं सर, नहीं देखा। मैंने मिस्टर जोशी के हाथ में वो केरोसिन बम देखा। हाँ, लेकिन क्या आपने मिस्टर जोशी को राठौड़ साहब की खिड़की में से वो बम डालते हुए देखा? देखा क्या? बम डालते हुए देखा आपने? नो बट सर। देखा या नहीं देखा? नहीं देखा सर। नहीं देखा तो हो सकता है किसी और ने कोई और बम डाला हो मिस्टर राठौड़ की खिड़की में से, हो सकता है या नहीं? दो लोग, दो बम। तो फिर मिस्टर जोशी के हाथ में जो बोतल थी वो कहाँ गई? सर वो बोतल मैंने वहीं झाड़ियों में फेंक दी थी। झूठ। पुलिस को झाड़ियों में कोई बोतल नहीं मिली ऑनर। बम एक ही था जो मिस्टर जोशी ने अपने घर में बनाया था ऑनर। उनके बच्चे का टी शर्ट इस बात का सबूत है। टी शर्ट योर ऑनर। टी शर्ट के बारे में पूछने के लिए मैं मिस्टर सुधीर जोशी की धर्मपत्नी मयूरी जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि ये कपड़े का टुकड़ा आप पहचानती हैं या नहीं, और आपने कहा था कि ये तो मेरे ही बेटे आदर्श की टी शर्ट का टुकड़ा है। पर ये बड़े तिकड़े का सकाई गेलो। जी हाँ, वो मेरे ही बेटे आदर्श के टी शर्ट का टुकड़ा है। क्षमा चाहता हूँ, पिछली बार एक प्रश्न आपसे पूछा नहीं था, इस बार पूछ लेता हूँ। ये टी शर्ट नया था या पुराना? जी नया है, 1 हफ्ते पहले ही खरीदा था। बस 1 हफ्ते पुराना, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। योर ऑनर, अगर कोई पिता अपने बेटे का टी शर्ट नष्ट करके अपने ही किसी उपयोग में लाना चाहता है तो वो अपने बेटे की पुरानी टी शर्ट यूज करेगा, ना कि नहीं। और ये टी शर्ट यहाँ बिल्कुल नया था। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि ये टी शर्ट किसी और ने चुराया? क्या बात है दुबाश सर, आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। आप पहली मंजिल पर रहती हैं? जी। कपड़े कहाँ सुखाती हैं? खिड़की के बाहर। खिड़की के बाहर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत आसान है किसी के लिए वहां से आपके कपड़े चोरी करके ले जाना। जी हाँ, हो सकता है। वो थैली और टी शर्ट मैंने एक ही दिन धोए थे और वो गायब भी हुए थे। और वो बोतल जिसमें केरोसिन था, वो तो मिस्टर जोशी ने खुद तात्या से मांगी थी ना। आपके पास मिट्टी का तेल है क्या? मिट्टी का तेल मतलब घासलेट? हाँ, और अगर कोई पुरानी बोतल हो ना तो वो भी चाहिए। अच्छा हुआ आपने तात्या की याद दिला दी मुझे। पिछली बार उनसे वार्तालाप अधूरी रह गई थी, इस बार पूरी कर लेते हैं। पता जी, आपसे पिछली बार मैंने पूछा था कि सब जरा जोर से बोलिए। पिछली बार मैंने आपसे पूछा था आपकी आंखों के बारे में। आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, ठीक से दिखता नहीं है आपको, राइट? याद है आपको? हाँ याद है, मगर साहब मुझे तो साफ साफ दिखाई देता है। साफ साफ दिखता है? नहीं तात्या जी, आपको साफ साफ नहीं दिखता। अंधेरे में तो आपको कुछ भी नहीं दिखता, इसीलिए उस रात को जो व्यक्ति केरोसिन और बॉटल मांगने आया था आपके पास, आपने सुधीर जोशी समझ के उसे गलत पहचाना है। साहब आप कौन होते हो ये बोलने वाले कि मेरे को अंधेरे में साफ दिखाई नहीं देता? मुझे अंधेरे में साफ दिखाई देता है। रॉकेट लेने ये सुधीर ही आया था। अच्छा जी, तो चलिए साबित करिए। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि कुछ समय तक अदालत की बत्तियां बंद कर दी जाए। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। लाइट्स ऑफ प्लीज। आइए। कौन? अरे यार, मैं हूं मनोहर शिंदे, तेरे ऊपर के फ्लैट में जो रहता हूं। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम मनोहर शिंदे नहीं हो। तो तुम वही पुलिस इंस्पेक्टर हो जिसने सुधीर को गिरफ्तार किया था। मैं तुम्हारा चेहरा साफ साफ देख सकता हूँ। तुम है इंस्पेक्टर दवे। लाइट्स ऑन प्लीज। थैंक यू मिस्टर पाठक फॉर योर एक्सपेरिमेंट। तात्या ने जब 15 फुट दूरी से अंधेरे में इंस्पेक्टर दवे को पहचान लिया, तो उस रात अपने घर के दरवाजे पे 2 फुट की दूरी पे क्या वो मिस्टर जोशी को नहीं पहचान पाते? आपको तो अंधेरे में दिखता नहीं था ना, अब कैसे दिखने लगा? उस रात मिस्टर जोशी ही गए थे योर ऑनर तात्या के घर बोतल और केरोसिन मांगने, और उन्होंने तात्या से इस बात को अपनी पत्नी से छिपाने के लिए कहा था, क्योंकि इनके मन में खोट थी। बोलिए मिस्टर जोशी। केरोसिन। उस रात सिर्फ 3 फुट की दूरी से तात्या मुझे नहीं पहचान सके थे, सिर्फ 3 फुट। घासलेट। और कल अचानक उनकी आंखें इतनी तेज हो गई कि इतनी दूरी से उन्होंने इंस्पेक्टर दवे का बैच पढ़ लिया। रॉकेल। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो कोई चमत्कार है। मिट्टी का तेल। केरोसिन को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, महाराष्ट्र में उसे घासलेट या रॉकेल। वरुण, उस रात जो व्यक्ति तात्या के पास गया था, आपके पास मिट्टी का तेल है क्या? मिट्टी का तेल मतलब घासलेट। उसने मिट्टी का तेल मांगा था, जबकि तात्या और सुधीर जोशी दोनों महाराष्ट्रियन हैं। ब्रासलेट या रॉकेल क्यों नहीं मांगा, मिट्टी का तेल क्यों, इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया? सर मैं कुछ समझा नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति सुधीर जोशी का रूप लेकर गया था वो मराठी नहीं है। अकाउंटेंट नटराजन, बिल्डर सूरी, मैनेजर राठौड़ या गवाह शास्त्री, इनमें से कोई भी हो सकता है। Anything is possible. वरुण, इस केस पर रोशनी तभी पड़ेगी जब हमें यह पता चलेगा कि तात्या की आंखों की रोशनी लौट कर कैसे आ गई। मैं मनोहर शिंदे ऊपर वाले फ्लैट में रहता हूँ ना। अच्छा अच्छा मनोहर, अरे कैसा है तू? बिल्कुल ठीक। तू मनोहर शिंदे नहीं है तो फिर घर के अंदर कैसे आ रहे हैं? तुम्हें अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता है ना तात्या। आप कौन होते हो ये बोलने वाले कि मेरे को अंधेरे में साफ दिखाई नहीं देता? मुझे अंधेरे में साफ दिखाई देता है। रॉकेट लेने ये सुधीर ही आया था। सर मैं उससे मिलता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। या डू दैट। राइट सर। मिस्टर नटराजन, मिस्टर नटराजन, क्या है आपके फाइल में? क्या कहती है आपकी फाइल? नटराजन, तुम्हें किसने कहा कि मेरी आंखें पहले से ठीक नहीं थी? मेरी आंखें तो पहले से ही ठीक थी। नहीं दादा, तुम्हारी आंखें पहले ठीक नहीं थी। तुमने रातों रात कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाया। ये तुम्हें कैसे पता चला? ये मोटा काला चश्मा, ये आई ड्रॉप्स जो ऑपरेशन के बाद आंखों में डाली जाती है। बोलो तात्या, सच बोलो। मैंने 3 दिन पहले आंखों का ऑपरेशन किया है। फिर ये बात तुमने अदालत में क्यों नहीं कही? नहीं कह सकता। जिसने मुझे मेरा ये ऑपरेशन करवाया है उसने मुझे धमकी दी है कि मैं अगर किसी से कुछ कह दूंगा तो वो मुझे जान से मार देगा। धमकी? किसने धमकी दी तुम्हें? नहीं बता सकता मैं। तात्या, तुम्हारा गलत बयान सुधीर जोशी को फांसी पर लटका देगा। तात्या, मेरी बात सुनो। तात्या उसकी बीवी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तात्या, तुम्हारी नजर अब भले ही सही हो पर क्या तुम उनसे कभी भी नजर मिला पाओगे? सोचो तात्या, सोचो। मैं कायर बन के नहीं रह सकता। कायर बनके मैं इन गलत लोगों का साथ नहीं दे सकता। मुझे पता है, मुझे पता है मुझे किसने धमकी दी है। मैं पहचानता हूँ उसे, पहचानता हूँ। वो कौन है? स्वीकार कीजिए भजन सिंह जी कि आप ही ने मेरे ऑफिस में वो केरोसिन बॉम्ब फेंका था। ये बॉम्ब हमने नहीं फेंका साहब, कसम से। तो फिर उस बोतल पर आपकी उंगलियों के निशान कैसे आए? वो और केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, मेरे ऑफिस की बाहर की दीवार पर इन्हीं के पंजे का निशान पाया गया है। ये रही फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट। क्यों किया आपने ये कांड, बताइए। साहब हम आपको डराना चाहते थे ताकि आप ये केस छोड़ दें और सुधीर जोशी को फांसी हो जाए। क्यों? क्योंकि जोशी के ईमानदारी के भूत से सब परेशान थे। न तो खुद खाता था और न ही डिपार्टमेंट में किसी को खाने देता था। अगर वो केस जीत जाता तो फिर आ जाता हमारी छाती पे ताल उगलने। तो इसीलिए आपने अपने ही कार्यालय में आग लगाई और सुधीर को फंसाया? नहीं साहब, उस दिन मैं छुट्टी में था, मैं ऑफिस आया ही नहीं था। हमने नहीं लगाई थी वो आग। लेकिन तात्या के घर तो तुम ही गए थे वो केरोसिन और बोतल लेने। नहीं साहब, वो कास्टेड मैंने नहीं लिया था, वो किसी और ने लिया होगा। वही जिसने रजिस्ट्रार ऑफिस में आग लगाई और जिसने हमें भेजा आपके ऑफिस में आग लगाने को। अच्छा, किसने भेजा आपको? जिसके लिए हम काम करते थे, मिस्टर राठौड़। झूठ बोल रहे हो है यू नमक हराम। सर मैंने ना भेजा इसको आपके ऑफिस। इस राठौड़ क्या तात्या भी झूठ बोल रहे हैं? तात्या? हाँ साहब, यही वो आदमी है जो उस दिन कोर्ट के बाद मेरे घर पे आया था। केडी को पता चल गया है कि तेरी आंखें कमजोर हैं बुड्ढे, और उस रात को तूने जोशी को नहीं किसी और को देखा था। से पहले कि अगली पेशी में ये बात वो सबके सामने उठाए, ये ले पकड़ पकड़। आज ही रात को मैं तेरी आंखों का ऑपरेशन करवा के इन्हें ठीक कर दूंगा। मगर सुन इस बात का जिक्र अगर तूने किसी के सामने भी करा तो यहीं आके मारूंगा जान से। अदालत में मैं केडी को गलत साबित करना चाहता हूं, समझा? अरे घूर क्या रहा है? तेरी वजह से मैं इस जोशी को नहीं फंसाने वाला। जा, क्या करना है ना वो कर ले। सुधीर बेटा, मुझे माफ कर देना सुधीर बेटा। मैंने ही तात्या को धमकी दी और भजन सिंह को वो बम दियो तो आपके ऑफिस में फेंकने को। क्योंकि मैं चाहता था कि किसी भी तरह यह आग का केस जोशी पे टिका रहे, क्योंकि अगर ये केस उससे हटता तो बात माथे पे आ जाती। सूरी बिल्डर के साथ करोड़ों को घपलों किया तो वो बात। ये तो केवल आधा सच हुआ मिस्टर राठौड़, पूरा सच ये है कि वो आग आप ही ने लगवाई थी। नहीं सर, वो आग हमने नहीं लगाई। मैं तो ऑफिस में नहीं था सर। मुझे आप पर संदेह इस कारण से हो रहा है क्योंकि आपने पहले फोन करके सुधीर को 1 बजे वहां बुलाया और फिर आप अचानक लंच करने चले गए। जब आपके दफ्तर में आग लगी तो सब लोग वहां मौजूद थे, आप ही नहीं थे वहां, क्योंकि आप जानते थे कि वहां आग लगने वाली है और सुधीर को आपने इस कारण बुलाया था ताकि आग लगाने के आरोप में ये बेचारा फंस जाए। तो एक काम कर, ऑफिस आ जा, मैं तेरे को समझाता हूँ। 1 बजे आ जा। ठीक है, आता हूँ। नहीं सर, मैं सच्ची में लंच पे लेट हो गया था और मारे को तो पता नहीं था कि सुधीर ऑफिस आने वाला है। झूठ मत बोलिए मिस्टर राठौड़। नहीं सर, सब भगवान कसम, मैंने सुधीर को फोन नहीं किया सर। टेलीफोन रिकॉर्ड्स के अनुसार वो फोन कॉल आप ही के कैबिन के फोन से गया है। सर मारे को नहीं पता ये सब कैसे हुआ, किसी और ने किया होगा मेरी टेबल से जब मैं ऑफिस में। लेकिन तात्या के घर तो आप ही गए थे वो केरोसिन और बोतल लेने। नहीं सर, तात्या के घर मैंने गया घासलेट लेने। कोई और होगा सर, ये जोशी होगा। मारे को पता था कि ये आग का बिल मारे नाम पे ही फटेगा। सूरी, ये सब तेरी वजह से हो रहा है और अगर मैं फंसूंगा ना तो तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। राठौर, अपने गुनाहों में मुझे मत फंसा। बेटा सूरी, आप बैठ जाइए। मेरा गुनाह दिखाओ अदालत को? तेरे जाली एग्रीमेंट की डुप्लीकेट कॉपी दिखाऊं? मिस्टर सूरी, अब भ्रष्टाचार के आरोप से तो आप बच नहीं सकते और ये रजिस्ट्रार ऑफिस में आग लगाने का आरोप जो आप पर... सर मैंने आग नहीं लगाई है, मैं मानता हूं कि राठौर के साथ मिलकर करोड़ों के कागजात का घपला मैंने किया है, पर वो कागज मैंने नहीं जलवाए। हाँ, मैं मौके का फायदा जरूर उठा रहा था, पर वो आग मैंने नहीं लगवाई है। मैंने आग नहीं लगाई। घर वो केरोसिन मैं नहीं था, और नहीं राठौर। मुझे लगता है कि वो नटराजन था। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है? मुझे राठौर बता रहे थे कि पिछले महीने वो नटराजन की जगह किसी और को प्रमोशन देने वाले थे। ये बात सुनकर नटराजन ने राठौर के साथ झगड़ा किया और धमकी भी दी थी। मैं अपने ऑफिस में आग लगाएगा? एंड द रीजन इज व्हाट? मेरे को प्रमोशन नहीं मिला? ये राठौर पागल हो गया। जोशी, तूने अच्छा किया इसके ऊपर बम फेंका। वेल डन। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना मांगता है। नटराजन, जितना पूछा जाए उतना ही बोलिए। ये बताइए कि जिस समय आग लगी उस समय आप अपने सीट पर नहीं थे, कहाँ थे आप? मैं वो लंच करने गया था। लंच पे गए थे। लंच तो आप घर से लाते हैं और रोज अपनी मेज पर ही लंच करते हैं। फिर जिस दिन आग लगने वाली थी उसी दिन आप अपने मेज पर नहीं थे, क्यों? क्योंकि आप जानते थे कि आग लगने वाली है, इसलिए दफ्तर से बाहर चले गए। मैं अपने चेयर पे इसलिए नहीं था क्योंकि मैं बोईडे साहब के पास गया था। क्यों? मिस्टर शास्त्री का एग्रीमेंट को लेकर। मिस्टर शास्त्री का एग्रीमेंट लेकर? हाँ सर, मिस्टर शास्त्री हमारा साहब बोईडे के पास कंप्लेंट लेके गया मिस्टर राठौड़ का, घूस मांगने का कंप्लेंट, और मैं विटनेस बनकर गया था उनके साथ। अब समझ में आ रहा है मुझे आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स। कहीं ऐसा तो नहीं कि राठौड़ साहब से बदला लेने के लिए आपने अपने दफ्तर में आग लगाई हो? तात्या के घर से वो बॉटल, और क्या था बॉटल में? केरोसिन। नो, मैंने आग नहीं लगाया सर, आपको गलतफहमी है। मैं तो बोईडी साहब के पास में था, और आप मिस्टर शास्त्री से पूछ लो, वो सुबह से उस दिन हमारे ऑफिस में ही थे। मैं आग नहीं लगाया सर। मिस्टर शास्त्री, आपने मिस्टर राठौड़ के विरुद्ध घूसखोरी की कंप्लेंट की थी? जी हाँ, राठौड़ मुझसे रजिस्ट्रेशन अमाउंट कम करवाने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था, इसीलिए मैंने मिस्टर नटराजन को गवाह बनाकर उनके बॉस के सामने कंप्लेन करने को कहा। दरअसल मैं रजिस्ट्रार ऑफिस इसीलिए आया था और अचानक जोशी से टकरा गया। राइट, और आपने कहा था कि आपने इनके हाथों में केवल लाइटर देखा और कुछ नहीं था इनके हाथ? नहीं, और कुछ नहीं था। पर आपने तो ये साबित कर दिया ना कि मिस्टर जोशी के हाथ में लाइटर के साथ साथ एक मिट्टी के तेल से भरी बोतल भी थी। एक्सक्यूज मी यार, काय से भरी बोतल? मिट्टी के तेल से। राइट। मिस्टर शास्त्री, नटराजन साहब का कहना है कि आप सुबह से वहीं थे रजिस्ट्रार ऑफिस में। कहाँ बैठे थे आप? मिस्टर राठौड़ की टेबल पर? हाँ जी। फिर तो उनकी टेबल पर रखा हुआ फोन आपके हाथों के बिल्कुल करीब रहा होगा। जी। तो इसका अर्थ यह होता है कि आप ही ने सुधीर जोशी को फोन करके वहां बुलाया। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो मिस्टर जोशी को जानता तक नहीं। मेरी उनसे क्या दुश्मनी? हाँ, लेकिन मिस्टर राठौड़ से तो दुश्मनी थी आपकी। देखिए, मैंने उस टेबल से किसी को भी फोन नहीं किया। मिस्टर शास्त्री, रजिस्ट्रार ऑफिस में आग आप ही ने लगाई और आप ही ने सुधीर जोशी को फंसाया है। कबूल कीजिए। किस बिना पर मिस्टर पाठक? योर ऑनर, उस रात जो व्यक्ति तात्या के घर केरोसिन और बोतल मांगने गया था, उसने केरोसिन को मिट्टी का तेल कहा। योर ऑनर, यहाँ मुंबई में बहुत कम लोग हैं जो केरोसिन के लिए मिट्टी के तेल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ रॉकेल या फिर खासलेट का ज्यादा प्रयोग होता है। हमारे किसी भी गवाह ने मिट्टी का तेल नहीं कहा सिवाय मिस्टर शास्त्री के। हो, तो क्योंकि मैंने केरोसिन को मिट्टी का तेल बोला तो आप मुझे विलन बना देंगे? सीरियसली मिस्टर पाठक, इतनी सी बात पर आप इन पर इतना बड़ा शक कर बैठे? हर बड़ी बात इतनी ही बात से ही शुरू होती है दुबारा सर। बूंद बूंद से सागर बनता है। मिस्टर शास्त्री वही व्यक्ति है जो तात्या के घर गए थे। This is crazy. मैं मिस्टर सुधीर जोशी को नहीं जानता तो तात्या को कहां से जानूंगा? ना तो मैं उस बिल्डिंग में गया और ना उस घर में। मिस्टर शास्त्री, आप तात्या राव के घर केरोसिन और बोतल लेने गए थे। आपको वहां किसी ने देखा है। मिस्टर सुधीर जोशी के बेटे ने हमें बताया कि आप ही थे। तो ये नई जानकारी आपको कैसे मिली और कब? ये जानकारी बहुत पहले से है मेरे पास दुबारा सर। सुधीर जोशी के बेटे ने इन्हें ही देखा था उस रात। मैं नहीं था, मैं उस बिल्डिंग में गया ही नहीं। और देखिए आप जबरदस्ती मुझे इस केस में क्यों घसीट रहे हैं? मैं सिर्फ एक गवाह हूं, सरकार की मदद के लिए यहां पर खड़ा हूं। और आप? लेकिन इस बच्चे ने इन्हें देखा कहां से? अपने दरवाजे की आड़ से। और उनका दरवाजा ठीक तात्या राव के दरवाजे के सामने है। आप ही थे मिस्टर शास्त्री। नामुमकिन, उस बच्चे को जरूर धोखा हुआ है। अगर आप उस बिल्डिंग में नहीं गए तो सुधीर जोशी का बेटा क्यों बोल रहा है कि आप ही थे तात्या राव के घर के सामने? देखिए मैं बोल रहा हूं ना आपको, मैं वहां पर नहीं था। वो बच्चा झूठ बोल रहा है। बच्चे झूठ नहीं बोलते, झूठ आप बोल रहे हैं मिस्टर शास्त्री। आप गए थे उस रात तात्या राव के घर, वो केरोसिन और बॉटल लेने। आप ही ने केरोसिन को मिट्टी का तेल कहा था। आप ही ने फंसाया है सुधीर जोशी को। वो बच्चा झूठ बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपसे। जब बच्चा कह रहा है कि उसने आपको तात्या राव के दरवाजे के सामने देखा था, आप कह रहे हैं कि वो आपको देख नहीं सकता। क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिस्टर जोशी का घर कॉरिडोर के उस तरफ है और बीच में बहुत बड़ी दीवार है, और दीवार के इस तरफ तात्या का घर है। तो बच्चा दीवार के आर पार कैसे देख सकता है? बताइए। सही कहा आपने मिस्टर शास्त्री, कोई भी दीवार के आर पार नहीं देख सकता। लेकिन ये दीवार जो आपने इस केस के सामने खड़ी की थी, उसके आर पार अभी अदालत साफ साफ देख पा रही है। कृपया कर अदालत को बताइए कि जब आप तात्या राव को जानते ही नहीं थे, सुधीर जोशी को जानते ही नहीं थे, उनके बिल्डिंग में कभी गए ही नहीं थे, तो फिर आपको कैसे पता कि सुधीर जोशी का घर कॉरिडोर के कोने में है और उसके दरवाजे और तात्या राव के दरवाजे के बीच दीवार है? क्या लगता है आपको फंस चुके हैं आप? आपको इकबाल जुर्म करना चाहिए या आगे भी साबित करो? कई दिनों पहले जब मैं मिस्टर राठौर के ऑफिस में बैठा था अपने फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए, तो उन्होंने मुझ पर जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाया। जब मैंने एतराज किया तो उन्होंने मुझे धुतकार दिया। उसी समय मिस्टर जोशी वहां पर आए थे। वो मैं ही था जिसे राठौर ने ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहा था। और बाहर जाकर मैंने राठौर और जोशी के बीच के झगड़े को सुना। उसके बाद जब राठौर ने मुझे फोन करके रिश्वत मांगी तो मेरा खून खौल गया। देख भाई, अगर तू अपनी रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी में कुछ कम करवाना चाहता है तो तेरे को खर्चा तो करना पड़ेगा। और यहाँ मैं एक आम आदमी बैंक से लोन लेकर, अपने गांव की जमीन बेचकर, अपनी बीबी के जेवरात गिरवी रखकर पाई पाई जमा करने के बाद भी राठौर जैसे कर्मचारियों का शिकार होते हैं। और वहीं दूसरी ओर सूरी जैसे अरबपति बिल्डर जिनका एक दिन का खर्चा मेरी जिंदगी भर की कमाई से भी ज्यादा हो सकता है। राठौर जैसे लोग उन्हें करोड़ों की छूट देते हैं। कब तक एक आम आदमी अमीरों और भ्रष्टाचारियों के बीच पिसता रहेगा? मेरे सब्र का बांध टूट गया और फिर मैंने फैसला किया कि मैं राठौर और उसके सिस्टम से बदला लूंगा। और मैंने एक प्लान बनाया। राठौर और जोशी की लड़ाई का फायदा उठाकर मैं कई दिनों तक जोशी का पीछा करता रहा। उसके घर, उसके पड़ोसियों के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं से मुझे पता चला कि तात्या को रात को दिखाई नहीं देता। वो मैं ही था जो उस रात तात्या के घर में जाकर उनसे बोतल और मिट्टी का तेल मांगा। और फिर मैंने जोशी की बालकनी में जाकर सूखते हुए कपड़ों में से वो टी शर्ट और वो थैली निकाली और एक क्रूड बॉम्ब बनाया। मैं ही था जिसने राठौर की टेबल से उसकी आवाज में जोशी को फोन करके वहां बुलाया। उस दिन जब जोशी बिल्डिंग के पीछे गया तो मैंने खिड़की से वो दूसरा बम फेंका, धमाका हुआ और जोशी वहां से भागा। मैं जानबूझकर जोशी से टकराया ताकि उसके खिलाफ गवाह बन सकूं। और फिर झाड़ियों में पड़ी उस बोतल को भी मैंने गायब कर दिया। आग मैंने ही लगाई थी। ये एक आम आदमी का इंतकाम है। ये कैसा इंतकाम है आपका मिस्टर शास्त्री? आपकी लगाई हुई आग में कोई भ्रष्ट नेता, कोई भ्रष्ट बिल्डर या भ्रष्ट कर्मचारी नहीं मारा। जिन 13 लोगों की जान गई वो आप ही की तरह आम साधारण व्यक्ति थे। उनमें से भी कोई गांव में अपनी जमीन बेचकर आया था, कोई अपनी बीवी के जेवर गिरवी रखकर आया था। उनका घर बसने से पहले ही आपने उन्हें उजाड़ दिया और फंसाया भी किसे? आप ही की तरह एक साधारण ईमानदार सज्जन सुधीर जोशी। इंतकाम नहीं मिस्टर शास्त्री, घोर अन्याय है, घोर अन्याय। The defense rests, Your Honor. ये अदालत मिस्टर सूरी, मिस्टर राठौर, मिस्टर भजन सिंह को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करती है और इन पर केस चलाने के लिए हुक्म देती है। और ये अदालत कुर्ला रजिस्ट्रार ऑफिस की आगजनी के केस में मिस्टर अविक शास्त्री को दोषी मानती है। उसे 13 लोगों की मौत के लिए दोषी मानती है और दफा 302 के तहत उसे उम्र कैद की सजा देती है और मिस्टर सुधीर जोशी को बेगुनाह मानते हुए उसे बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। बधाई हो सुधीर। थैंक यू। जब तक आप जैसे वकील हैं मिस्टर पाठक, मेरा इस समाज पे विश्वास कायम रहेगा। हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें सर? भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी ये जंग जारी रखकर इस समाज की अदालत का सबसे बड़ा केस हम केवल एकजुट होकर ही जीत सकते हैं। Am I right or am I right?